स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल बासचक प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों घर जो आज आप देखने जा रहे हो एक शानदार लोकेशन के ऊपर होगा, ऑलमोस्ट डेवलप एरिया मैं इसको कह सकता हूँ। रोड्स आपकी बन चुकी है, घर पास के आसपास जो हैं सारे तकरीबन बन चुके हैं और घर जो आज आप देखने जा रहे हो यह आपका होने वाला है वो भी बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों घर जो आज आपका आने वाला है वो बिल्कुल 150 गज के अंदर रहेगा, जो कि 150 गज एग्जैक्टली रहेगा। 27 फिट का इसका फ्रंट रहेगा जो कि काफ़ी वाइड है और वाइड एंगल के अंदर काफ़ी अच्छा काम भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो डेप्थ रहेगी हमारे घर की वो आपकी रहेगी कुछ 50। तो सामने की तरफ जब हम नीचे की तरफ ही देखते हैं तो आपको एक तरफ जो है गार्डन एरिया मिल जाता है, जहाँ पर बाहर की तरफ एंगल हमने लगाया हुआ और थोड़ी सी जगह हमने छोड़ दी ताकि आपका गार्डन जो है वो अच्छे से मेंटेन हो जाए। और ठीक इसके साथ ही हमारा गेट जो कि आयरन का रहने वाला है, बीच में वुडन क्लैडिंग रहेगी और गेट के दोनों तरफ आपको पिलर्स मिल जाते हैं जिनके साथ जो आपके घर की लुक्स है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और जो हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन है वो उसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है, चाहे उसको टाइल्स को आप देखते हैं तो बिल्कुल आपको जो है वुडन पैटर्न के साथ टाइल्स आपको मिल जाएंगी बालकनी के अंदर भी और बालकनी के नीचे भी। इसके अलावा जो ऊपर वाला एरिया आ जाता है आपका खिड़की के ऊपर, बिल्कुल एक अच्छा फ्रेम मिलेगा और फ्रेम के ऊपर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिलेगा। आप देखेंगे दो पैटर्न अलग अलग मिलेंगे आपको टाइल्स के और दोनों ही बड़े अच्छे खूबसूरती के साथ यहाँ पर लगाए गए हैं। और इन पैटर्न्स के ऊपर जो शेल्फ आपको नज़र आ रही है जहाँ पर एंगल्स थोड़े से बाहर आ रहे हैं, ये जो घर की लुक है वो इसके साथ काफ़ी अच्छी बदल जाती है। और ये तो दोस्तों थी बात टाइल्स की। और इसके साथ जब हम राइट साइड पर थोड़ा सा नज़र घुमाते हैं तो हमारी जो पैटर्न आपको नज़र आएगा स्ट्रिप पैटर्न जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये आपको प्लास्टर के अंदर नज़र आने वाला है और सेल्फ के अंदर ही काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फ्रंट काफ़ी अच्छा है, वाइड होने के साथ खूबसूरत भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, पेंटिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर की गई है। सॉबर कलर्स आपको पूरे घर के अंदर मिलने वाले हैं और जो कहते हैं रहने वाली जगह एग्जैक्टली वही आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ओपन करते हैं, हमारे सामने आती है हमारी पार्किंग जो कि इजीली आपकी सेडान गाड़ी बहुत आराम से यहाँ पर आ जाएगी। और पार्किंग के ऊपर भी आप देखेंगे तो थोड़े से कंसील लैंप्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे जिसके साथ जो लुक्स है हमारे घर की शाम के वक्त और ज़्यादा बेहतर लगने लग जाती हैं। और ठीक अगर इस तरफ आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक कॉर्नर में विंडो आपको नज़र आएगी जिसके अंदर हमने ग्रिल भी यहाँ पर लगाई हुई है और यहाँ से अंदर और अंदर से बाहर दोनों ही व्यू काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो ठीक यहाँ पर आपको जो है टू व्हीलर पार्किंग एरिया और ये आपका गार्डन एरिया, इसके साथ आपका एक वाटर टैंक आपको नीचे मिल जाता है ताकि मैक्सिमम स्टोरेज जो है आपके पानी की आपके घर के अंदर हो सके। तो दोस्तों ये सामने का पैटर्न है आपका जो यहाँ से हम देख रहे थे बाहर से, अंदर से आपको और ज़्यादा क्लियर यहाँ से नज़र आता है। तो ये सेल्फ के जो डिज़ाइन होते हैं इनका फ़ायदा एक अलग से ये हो जाता है कि यहाँ पर खर्चा थोड़ा सा बच जाता है। अगर आप अपने घर के अंदर भी कर रहे हैं और आपको नहीं लगता कि हम टाइल वर्क करना चाहते हैं तो अलग सा डिज़ाइन ये आप कर सकते हैं, थोड़ा स्लोप डिज़ाइन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि ये डिज़ाइन भी अलग है और लुक्स भी इसकी काफ़ी बेहतर आपको नज़र आती हैं। तो वापस आते हैं हम अपनी पार्किंग की तरफ और पार्किंग के साथ ही जो है हमारी स्टेयर्स आ जाएंगी और जो कि हमें ऊपर तक ले जाएंगी, उसके साथ आपको नीचे जो है छोटी सी स्टोरेज नज़र आएगी जहाँ पर आपका जो है सिलेंडर आप रख सकते हैं या छोटी मोटी और कोई स्टोरेज है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टेयर्स हमारी स्टेनलेस स्टील की रहने वाली है, साथ में आपका ग्रेनाइट आपको मिल जाता है और उसके साथ आपका मेन एंट्रेंस डोर जो कि वायर मैश रहने वाला है, ग्लास फिनिश आपको पूरी मिलेगी, पॉलिश किया हुआ एक अच्छा सा डोर हमें यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है, 8 फिट की हाइट आपको पूरी यहाँ पर मिलने वाली है। और इस दरवाजे को ओपन करते हमारा मेन एंट्रेंस डोर आता है जो कि अगेन ग्लॉसी पॉलिश आपको मिलने वाली है, वेट पॉलिश आपको रहेगी पूरे साइज़ के साथ आपको मिल जाती है। चलिए ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम ओपन करते हैं तो सीधा हम पहुंचते हैं अपने ड्राइंग और डाइनिंग के अंदर और वाकई मुझे समझ आ रहा है कि आपको ये ड्राइंग और डाइनिंग वाकई खूबसूरत लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है वो वाकई बहुत अच्छी रखी हुई है। अब देखिए 13.5 फिट की जो है यहाँ पर विड्थ हमें यहाँ पर मिल जाती है और जो लेंथ है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। देखिए तो इस तरह की जो लेंथ विड्थ होती है वहाँ पर तो चीज़ें रखना वैसे ही बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप किसी भी चीज़ को रखें बहुत आराम से रख सकते हैं, चाहे मैं 7 सीटर रखूँ या उससे बड़ा भी रखूँ सोफ़ा सेट यहाँ पर सेंटर टेबल के साथ भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 21 फिट की आपकी लेंथ है, ड्राइंग और डाइनिंग दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बड़े आराम से यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमने बीच में छोटी मोटी पार्टीशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, स्पेस आपको यहाँ पूरी मिलती है। एक अच्छा पैटर्न के साथ वॉलपेपर आपको पूरा यहाँ पर मिलेगा जो कि स्टोन लुक आपको पूरी देता है, 3D लुक्स है, कुछ ऐसा ही लगता है कि आपका जैसे टाइल वर्क है या फिर एक्चुअल में स्टोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और जितनी भी दोस्तों फ्लोरिंग आप देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर पे ये सारी की सारी जो है आपको कटनी मार्बल यहाँ पर मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर मैं सीलिंग के ऊपर ध्यान देता हूँ तो सीलिंग पर आपको जो है
प्रॉपर एक सीलिंग डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कंसील लैंप्स तो मिलते हैं, इसके साथ जो बीच में आप स्पेस देख रहे हैं वुड को थोड़ा सा कट करके एक अच्छे वे के साथ यहाँ पर लगाया गया है, ताकि इसके साथ लुक्स तो अच्छी आती है, ज़्यादा और काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको झूमर लगाने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं है, अगर फिर भी आपको लगता है बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, दोनों तरफ फैन लगाएं, लुक्स आपके ड्राइंग एरिया की काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सीलिंग बड़ी भी है और वाइड भी है। और जो हमारी यहाँ पर खिड़की थी जो कि एल शेप में है, यहाँ से बाहर का व्यू वाकई बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आसपास के घर तकरीबन सारे बन चुके हैं, एरिया अच्छा है, रहने लायक है, फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं, तो एक अच्छा माहौल हमें मिल जाता है। और ये लोकेशन एक ऐसी है, यहाँ पर ना बिल्कुल पास में ही आपका पार्क भी मिल जाएगा, आपके घर के बिल्कुल पास में ही पार्क भी आपको मिल जाता है, जो कि सबसे बड़ा पार्क है यहाँ का। इसके अलावा आपको मार्केट बिल्कुल यहाँ पर मिल जाती है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आप चाहे लेफ्ट जाएं घर से निकल के या राइट साइड, दोनों ही तरफ आपको जो है मार्केट आपको मिल जाएगी। स्कूल यहाँ पर बड़े आराम से बिल्कुल पास मिल जाते हैं, मतलब कि आप ये लगा लीजिए स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, पार्क हो, ये सारी चीज़ें जो होगी आपके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको मिल जाएंगी चलते चलते ही। और इसके अलावा मंदिर, गुरुद्वारा साहब, हर चीज़ आपको यहाँ पर आसपास मिल जाती है। तो दोस्तों, ड्राइंग के साथ आपका डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आप इजीली अपना 6 सीटर लगा सकते हैं, स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, अगर मैं यहाँ से इतनी भी बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। और इसी डाइनिंग के साथ इस तरफ आपका जो आता है टीवी पैनल की आपकी स्पेस जो आती है, और ये टीवी पैनल को काफ़ी बड़ा यहाँ पर बनाया है, ताकि आप किसी भी साइज़ का जो टीवी है लगाएंगे तो ख़राब नहीं लगेगा आपका, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि कई जगह पर होता है कि डिज़ाइन ऐसा होता है कि अगर हम छोटा टीवी लगा लें तो थोड़ा बुरा लगने लग जाता है, उससे अच्छा कहता है कि ना लगाएं। लेकिन ये एक प्लेन डिज़ाइन है, बड़ा लगाओगे तो अच्छा लगेगा, छोटा लगाओगे तो भी बुरा नहीं लगेगा, स्पेस आपको अच्छी मिल जाएगी, लुक्स आपको अच्छी मिलेगी, पूरा पॉलिश किया हुआ है। और यहाँ हल्के हल्के कंसील लैंप्स आपको पूरे मिलेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद जो ये बॉक्सेस हमने यहाँ पर बनाए हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स हैं, यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, इजीली अपने जो छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पर आप रख सकते हैं, लुक्स अच्छी आती हैं। उसके बाद नीचे आपके पास स्टोरेज अच्छी है काफ़ी, तो सामान पूरा आता है, चीज़ अच्छी लगती है। और ठीक आपका जहाँ पर डाइनिंग टेबल है, बिल्कुल इसके सामने आपकी जो है किचन यहाँ पर डिज़ाइन की है, ताकि किचन जो है उसका व्यू भी अच्छा रहे, और वहाँ से सामान लाना रखना टेबल पे वो आपका भी बिल्कुल ठीक रहे। और यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फ्रेम है एंट्रेंस का, उसको पूरा वुडन डिज़ाइन के साथ रखा, और वुडन में आपके जो दोनों तरफ जो है ग्लास फिनिश दी है, जहाँ पर आपको CNC डिज़ाइन के साथ आपको ये कटिंग आपको मिल जाएगी, जिसके साथ लुक्स आपको काफ़ी अच्छी आती है। ये सेम डिज़ाइन जो हमने अभी सीलिंग पर देखा था। और ठीक इसके साथ जो हमारी किचन है वो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, एल शेप के अंदर मिलेगी, और जैसे कलर्स मैंने कहा था सारी जगह हमने सिंपल रखे हुए हैं, वो एग्जैक्टली आपको यहाँ से समझ आना शुरू हो जाएगा। पैटर्न आपका ग्रेश यहाँ पे रखा हुआ सारा सिम किचन का। एक अच्छा आपको जो है काउंटर मिल जाएगा, जो कि ग्रेनाइट का आपको मिलता है। उसके अलावा नीचे आपके जो देख रहे हैं जितने भी ड्रॉर्स हैं, वो सारे के सारे लुक्स जो है इसकी मार्बल फिनिश के साथ आपको मिल जाती हैं। उसके साथ आपका जहाँ सामने वाली जो वॉल है, इसके ऊपर जो हमने जितना भी यहाँ पर टाइल लगाई है वो सारे लाइट कलर की लगाई है, और बीच में जैसा जहाँ पर हाईलाइट है ये आपकी सिर्फ उसकी आ जाती है चिमनी की स्पेस। और दोनों ही तरफ आपको जो है पूरे प्रॉपर कैबिनेट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक यहाँ पर आपकी खिड़की मिल जाएगी आपको, और खिड़की से बाहर का नज़ारा पूरा प्रॉपर रहेगा। और इस नज़ारे के साथ ये भी बता दूं कि अगर कोई बाहर बेल लगाता भी है तो आपको अंदर से ही सारा कुछ नज़र आ जाएगा कि आपके खिड़की के सामने से कि सामने जो है गेट पर कौन है। और खिड़की के बिल्कुल सामने आपका जो है सिंक आ जाता है, ताकि जो धूप है वो सीधी आपके सिंक पे रहे, और प्रॉपर जो है सिंक आपका कुछ ही पलों में सूख भी जाए दोस्तों। ड्राइंग, डाइनिंग और किचन के बाद हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम के साइज़ आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, और एंट्रेंस आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जितने भी अंदर या बाहर के दरवाजे होंगे सारे वुडन रहने वाले हैं, प्रॉपर वुडन रहेंगे, और सारे के सारे पॉलिश के हुए, और सबकी हाइट जो आपको 8 फीट की यहाँ पर मिलने वाली है। और बेडरूम में जो स्पेस हमारे पास मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, बिल्कुल 15 फीट की स्पेस है, और 15 फीट के अंदर तो आप जिस मर्जी तरीके से रहे, क्योंकि जब हमारे पास साइज़ थोड़ा सा बड़ा आ जाता है तो वहाँ पर जो स्पेस है वो भी बढ़ जाती है दोस्तों। बता दें तो जो आप घर अभी देख रहे हैं ये आपका 150 गज का है, और सेम पैटर्न या सेम डिज़ाइन के साथ हमने 128 गज के अंदर भी सेम डिज़ाइन किया हुआ। अगर जहाँ पर किसी को तो प्राइसिंग का थोड़ा बहुत इशू होता है, तो हम वहाँ पर हमारे पास जो छोटा साइज़ भी यहाँ पर मिल जाता है। जो सीलिंग है वहाँ पर अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा कंसील लैंप्स के साथ, अगेन एक सॉबर सा डिज़ाइन के साथ आपका जो है वॉलपेपर आपको मिल जाता है जहाँ पर आपका बेड लगने वाला है।
और इसी वॉलपेपर के साथ इस तरफ जो है आपके वार्डरोब जो कि सीलिंग की हाइट तक आपको पूरी मिलती है। दोस्तों जब भी आप घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या कोई थोड़ी बड़ी चीज़ें करवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो कलर्स है वो लाइट रखे जाएं। और अगर हमने जो कंट्रास्ट आया था, जैसे वार्डरोब्स है ये तकरीबन कंट्रास्ट के अंदर बनती है, अगर आपकी वॉल डार्क है तो इसको लाइट रखें, अगर इसको लाइट रखा तो वॉल को डार्क रखें, तो लुक्स जो होती है बेडरूम की वो ज़्यादा अच्छी आती है। उसके अलावा जो हैंडल्स होते हैं ये थोड़े बड़े रखें, लुक्स अच्छी देते हैं। उसके अलावा इसको खोलना है बंद करना वो बहुत ईजी हो जाता है। प्रॉपर डबल लैमिनेशन आपको सारी की सारी मिलने वाली है यहाँ पर, एक अच्छी स्पेस हमें यहाँ पर पूरी मिलती है ऊपर से नीचे तक, ताकि आपकी जो मैक्सिमम स्टोरेज है वो आपके हो सके। और सीलिंग की हाइट तक होने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सामान है वो सारा का सारा यहीं पे अंदर ही आएगा और ठीक आपके बेड के सामने आपका आ जाता है टीवी यूनिट। ठीक है, जिस यहाँ पर आपका जो कैबिनेट है, सॉरी आपका जो यूनिट है, यहाँ पर आराम से आपका जो है टीवी लग जाएगा। उसके अलावा नीचे आपके पास जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी है, स्टोरेज यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। ये जैसे छोटी छोटी स्टोरेज होती है ना, इनका एक फ़ायदा होता है कि आपका सारा सामान अंदर आता है। बहुत बार हम देखते हैं कि छोटा मोटा लटर पटर सामान हमारा बाहर ही पड़ा रहता है, वो अंदर रखने के लिए ये छोटी छोटी स्पेस हमें ज़रूर चाहिए होती है। बेडरूम में आपको खिड़की पूरी प्रॉपर मिल जाती है और इसके साथ आपका जो वॉशरूम है वो आपको अटैच मिल जाएगा। एक अच्छे पैटर्न के साथ टाइल्स आपको पूरी मिल जाती हैं, बड़े बड़े साइज़ की है, 2x4 की टाइल्स आपको पूरी मिल रही हैं और प्रॉपर ब्रांडेड फिटिंग्स आपको यहां पर लगाकर दी जाएंगी। तो दोस्तों इसी बेडरूम के साथ आपका एक डोर आ जाता है जहां से हम निकलते हैं अपने वॉशिंग एरिया की तरफ। और वॉशिंग एरिया में भी जो स्पेस है वो आपको काफी अच्छी मिल जाती है, सनलाइट यहां पर पूरी आती है, वॉशिंग और क्लोथिंग अगर दोनों यहाँ पर करना चाहते हैं वो दोनों काम यहाँ पर हो सकते हैं। वॉशिंग मशीन यहाँ पर रखिए, स्पेस अच्छी है, फ्रंट लोडेड रखना चाहते हैं तो वो भी आराम से रख सकते हैं। पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा, ऊपर से लाइट सीधी आ रही है और ये सीधी लाइट आपके दोनों बेडरूम्स के अंदर जा रही है, क्योंकि यहाँ से खिड़की और दरवाजे दोनों यहाँ पर रखें ताकि वेंटिलेशन है या लाइट है वो आपके घर के अंदर पूरा रहे, एक अच्छे वे के साथ रहे। और दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि सारी चीज़ें यहाँ पर आसपास आपको मिल जाती है और घर जो आपका रहता है बिल्कुल सेक्टर 125 मोहाली के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि चंडीगढ़ से महज 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 5 से 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इसके अलावा जो आपका IIT पार्क मोहाली है वो भी आपका यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है, न्यू चंडीगढ़ का क्रिकेट स्टेडियम वो सिर्फ यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो हर चीज़ आसपास ही रहती है और ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से अगर आप चंडीगढ़ से होकर जम्मू की तरफ जा रहे हैं, अमृतसर की तरफ जा रहे हैं, लुधियाना की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका एक मेन लोकेशन आता है जहाँ से हर कोई जाता है होकर गुजरता है। तो इसके साथ हमारा बेडरूम जो कि अगेन अटैच आपको मिलने वाला है, दोनों बेडरूम आपके पैरेलल आपको मिलेंगे और दोनों ही बेडरूम्स का साइज सेम रहने वाला है, 15 फिट का आपका बेडरूम रहेगा और जो विड्थ है इसकी वो 12.5 रहेगी। वैसे इसका 12.8 है लेकिन राउंड फिगर मैं 12.5 इसलिए बोल रहा हूँ, यूजली मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर राउंड फिगर इसलिए देता हूँ ताकि अगर आप अपना घर बना रहे हैं, देख कर बना रहे हैं, तो आपको साइजेस को समझने में कोई दिक्कत ना आए, या फिर आपका घर है अगर कोई डिज़ाइनर भी कर रहा है, आर्किटेक्ट है, तो उसको भी देखने में कोई दिक्कत ना आए, आराम से वो देख कर समझ जाएंगे कि ये साइज़ है, इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो प्रॉपर वार्डरोब्स आपको दोनों ही बेडरूम के अंदर मिलेंगी, लाइट कलर का वॉलपेपर आपको अगेन यहाँ पर मिल जाएगा, सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन आपको अगेन यहाँ पर मिल जाएगा। एक अच्छी लुक्स के साथ बिल्कुल आपके बेड के सामने आपका टीवी यूनिट आपको मिल जाता है। और दोस्तों जो हमने वार्डरोब्स बनाई हैं दोनों ही बेडरूम में, उनके साथ हमने जो है यहाँ पर लुकिंग मिरर आपको दिया है, ताकि जो है ड्रेसिंग वाला काम आपका इसी स्पेस में आपका हो जाए, उसके लिए अलग से आपको टेबल या कुछ और रखने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी यूनिट के साथ में आपका जो नीचे है 2 आपको ड्रॉर्स दे दिए, ताकि छोटा मोटा सामान जो हमारे घर में होता है वो सारा आपका पूरा प्रॉपर यहाँ पर अंदर आ जाए। खिड़की आपको अगेन यहाँ पर मिल जाएगी जैसे हमने पहले बेडरूम में देखा था, और दरवाज़ा आपको फिर मिलेगा आपको आपके वॉशिंग एरिया की तरफ जाने के लिए। इसके अलावा हर बेडरूम के अंदर आपके जो टीवी सॉरी जो एसी है उसके लिए प्रोविज़न यहाँ पर दी गई है, और वॉशरूम जो है आपका अगेन यहाँ पर अटैच रहने वाला है, कॉन्ट्रास्ट के अंदर रहेगा, एक अच्छा लुक्स आपको अगेन मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली से आते हैं और जाना चाहते हैं जम्मू की तरफ या कांगड़ा की तरफ, धर्मशाला की तरफ, तो ये एरिया आपके रास्ते में बिल्कुल हमेशा आएगा ही आएगा। और इसके अलावा जब हम जाते हैं चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़,
या फिर किसी भी और लोकेशन में, तो तकरीबन ये एरिया ऐसा है कि यहाँ से ही गुजर के सारे जाते हैं। एयरपोर्ट रोड है आपके यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा हलचल आपकी यहाँ पर मिल जाती है। एक ऐसा एरिया है जो कि डेवलपिंग है और बड़े अच्छे रेंज के अंदर यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाती है, जो कि पॉकेट फ्रेंडली हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ईजिली लोन अवेलेबल हो जाते हैं, लोन के साथ रिबेट्स आपको मिल जाती हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना की हैं, और प्लस बाकी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेज के साजेगा जो कि ग्रेनाइट का आपको मिलने वाला है, और प्लस आपकी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों ऊपर आने के बाद हमारे पास जो है स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी आ जाती है, इजीली आप अपनी इस बालकनी का पूरा मज़ा ले सकते हैं चेयर्स लगाकर। और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, जो फ्रंट विंडो हम नीचे से देख रहे थे वो ठीक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये वो एरिया है जो हमने देखा था नीचे से, जहाँ पर दोनों तरफ जो है साइड पर आपका टाइल्स के साथ अच्छा काम हुआ हुआ है, ग्लास वर्क अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जो ऊपर की तरफ आप शेल्फ है जो हम नीचे से देख रहे थे, तो अच्छे से क्लियर नहीं हमें नज़र आ रही थी, तो यहाँ पर पूरे प्रॉपर हमें यहां पर नजर आ जाती है। एक अच्छे पैटर्न के साथ इसको डिजाइन किया गया है, जैसा कि हमने बाहर से देखा था वो यहां से हमें पूरा प्रॉपर नजर आता है, क्योंकि बिल्कुल सामने है। और यहां पर आपकी रेलिंग जो कि स्टेनलेस स्टील की, इसके साथ ही ग्लास फिनिश आपको मिल जाती है। और यहां पर भी नीचे हमने जो है ग्रेनाइट पूरा लगाया हुआ है, तो इस ग्रेनाइट लगाने का एक फायदा यह होता है कि साफ सफाई जो होती है बड़ी ईजी होती है। यूजली जो होता है डस्ट यहाँ पर ही पड़ी होती है, तो इसे साफ़ करना बड़ा इजी सा हो जाता है। और ये हमने तकरीबन हर खिड़की पे किया है, चाहे आपकी किचन की खिड़की हो या बाहर की हो, हर खिड़की के बाहर आपको जो है ग्रेनाइट लगा हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर की तरफ। और दोस्तों अगर आप ऊपर वाला एरिया रेंट आउट करना चाहते हैं, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है किसी भी तरीके से, तो ये एरिया कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। तो अगेन आपका जो दरवाज़ा रहने वाला है आपका वायर मैच के साथ, ग्लास फिनिश आपको पूरी मिलने वाली है, अगेन पूरी पॉलिश और प्रॉपर वे के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। मेन एंट्रेंस डोर वो फिर भी आपको पूरा वुडन ही मिलने वाला है, और बेड पॉलिश यहाँ पर पूरी आपको नज़र आएगी। और अंदर आने के बाद जो नज़ारा है वो भी कुछ वैसा ही आएगा, बस लुक्स थोड़ी सी बदल जाएंगी। एक अच्छी वॉल आपको पूरी मिल जाएगी, जिसके ऊपर एक अच्छा 3D वॉलपेपर है, लुक्स इसकी काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। और इसी तरह हमारा जो ऊपर सीलिंग है उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा हमें नज़र आ जाता है यहाँ पर। मैं सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर एक ये लगती है कि स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी है, और ऐसी स्पेस के अंदर अगर हम चाहते हैं कि ये कोई चीज़ और बनानी है, डिज़ाइन करनी है, वो बड़े आराम से हम कर देते हैं, क्योंकि हम अपने घरों को जो एक बेसिक वे के साथ डिज़ाइन करते हैं यूजली, जैसी हमारी डिमांड आती है। तो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमने कोई चीज़ चेंज करनी है अपने तरीके से, या आपके मन में अंदर कोई आइडिया है, तो हम वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। हाँ, बस शर्त इतना है कि कोई चीज़ तोड़नी ना पड़े, जोड़नी है तो वो आपका होना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि तोड़ने के बाद खर्चा जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार और कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। तो स्पेस अच्छी है आपको, सामने की तरफ विंडो आपको पूरी मिलती है, सनलाइट आपके घर के अंदर पूरी आती है, वो चाहे आगे से हो या फिर पीछे से हो, तो ठीक आपकी प्रॉपर सेम स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगी 21.5x13 की। और उसके बाद आपका जो है किचन एरिया, तो किचन में भी आपको जो है सेम पैटर्न मिलेगा जो हमने नीचे देखा था। उसके बाद जो स्पेस है वो भी आपको सेम मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगेन 10x7.5 की स्पेस आपको पूरी मिल जाती है। कैबिनेट्स आपको ऊपर मिलेंगे, नीचे आपका सारा जो है ड्रॉर्स आपको पूरे मिलने वाले हैं, ग्रेनाइट की आपकी शेल्फ वो पूरी है, वो पूरी प्रॉपर मिलने वाली है। तो बेडरूम हमारा यहाँ पर आपका सीधा जो है ड्राइंग एरिया के साथ ही अटैच रहने वाला है, ताकि वेंटिलेशन है या लाइट है वो पूरे घर के अंदर अच्छे से बनी रहे। तो बेडरूम के अंदर भी स्पेस आपको पूरी प्रॉपर मिलती है। यहाँ पर अगेन हमारे पास जो है स्पेस 15 फिट की स्पेस हमें पूरी मिलती है, और यहाँ पर 15x12.5 की स्पेस आपको पूरी मिलती है। अगेन मैं बता दूँ दोस्तों, 12.5 मैं बोल रहा हूँ, तो ये मतलब कि 12 से 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन राउंड फिगर है, ताकि आप आराम से समझ सके साइज़ को। सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाएगा आपको, और ठीक जहाँ पर आपका बेड लगना है उसके सामने आपका जो है टीवी पैनल एक अच्छे लेवल पे यहाँ पर रखा हुआ है। और इसका मतलब ये भी है कि लेवल अगर आप ऊपर नीचे है, क्योंकि आपके बेड का साइज़ अगर छोटा है या फिर ऊपर है, तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो है पूरी प्रॉपर वार्डरोब मिल जाएंगी, जो कि अगेन सीलिंग की हाइट तक रहेगी, एक प्रॉपर स्टोरेज के साथ। और इसी वार्डरोब के साथ हमने जो है इस तरफ एक वॉलपेपर लगा दिया, जो कि आपके बेड की बैक पर रहेगा, और इससे बेड की जो लुक्स है वो भी अच्छी आने लग जाएगी, क्योंकि जब भी आप इस तरफ देखेंगे तो बेड के बैक पर जो वॉलपेपर है
इसका नज़ारा कुछ अलग होगा। और दोस्तों ऊपर वाला जो बेडरूम है, यहाँ पर हमने जो खिड़की है उसको थोड़ा सा बड़ा रखा है यहाँ पर, ताकि जो लाइट है वो पूरी प्रॉपर आए, और जो हमने डोर है उसको थोड़ा अलग तरीके से शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों वॉशरूम हमारे पास फिर से अटैच हमें मिल जाएगा, और एक अच्छे वे के साथ इसको डिज़ाइन किया है, ये आपको देखते ही नज़र आ जाएगा। तो जब लोन फैसिलिटी बड़ी इजी हो जाती है तो घर लेना आसान हो जाता है। तो साइजेज़ आपने देखे हैं, हमारे पास हर तरह के साइजेज़ आपको मिल जाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, हर रेट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ आपको अवेलेबल हो जाती हैं यहाँ पर। लोकेशन के हिसाब से हर जगह का रेट जो है वो वेरी करता है, वो आपने हमेशा देखा ही हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी का भी अगर आप प्राइसिंग देखना चाहते हैं या कोई साइजेस देखना चाहते हैं, तो वैसे तो हम तकरीबन सारी चीज़ें स्क्रीन पर बता देते हैं, इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाके कभी भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका ओपन एरिया आया था, ऊपर हमने एक बेडरूम हॉल किचन पूरा प्रॉपर एक सेट बना दिया। उसके बाद जो है ये सारा स्पेस आपके लिए है, ताकि आप सनलाइट का पूरा मज़ा ले सकें, मॉर्निंग्स का, इवनिंग्स का, हर चीज़ का पूरा मज़ा ले सकें। तो दोस्तों स्टेयर्स जो हमें ले जाएंगी हमारी सीलिंग, सॉरी रूफ तक, जहाँ पर हमारे वाटर टैंक्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा घर आज का, जो कि 150 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है, सेक्टर 125 मोहाली के अंदर, जो कि चंडीगढ़ के बेहद बिल्कुल पास है। एक अच्छा एरिया, एक अच्छा ऑलमोस्ट डेवलप एरिया कहूँगा मैं इसको, क्योंकि आसपास के घर सारे बन चुके हैं, वैसे प्रॉपर एरिया जो है सारे डेवलपिंग है यहाँ पर। तो एक अच्छी प्राइसिंग के अंदर मिल जाता है, और प्राइसिंग को आप डिस्क्रिप्शन में कभी भी चेक कर सकते हो, और नीचे दिए हुए नंबर पर कभी भी आप कॉल कर सके, इस घर के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए, और आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम जो काफ़ी सारे जो है इंटीरियर डिज़ाइंस आपको दिखाने वाले हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों इस वादे के साथ हम फिर मिलेंगे एक और शानदार घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।